शारदीय नवरात्र 2020 के बाद पहली बार नई कमेटी के समक्ष प्राचीन कालीन देवरी मंदिर की दान पेटियां खोली गई। दान पेटियों से निकले लाखों की राशि को देख लोगों के होश उड़ गए। विगत 300 वर्षों से दान की राशि का हिसाब किताब नहीं था, लेकिन पिछले वर्ष अक्टूबर 2020 में बुंडू SDM उत्कर्ष गुप्ता की उपस्थिति में आधिकारिक रूप से देवरी मंदिर सह दान पेटियों को अधिग्रहण कर लिया गया था। तब मंदिर के सरकारी अधिग्रहण को लेकर काफी हाय तौबा मची थी। इन 3 महीनों में श्रद्धालुओं द्वारा दान में दी गई राशि की गिनती अंचल कार्यालय में CEO कमल किशोर सिंह की निगरानी में की गई। इससे पहले विधायक विकास मुंडा, प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष SDM उत्कर्ष गुप्ता के नेतृत्व में CEO कमल किशोर सिंह, BDO राहुल कुमार और अन्य अधिकारियों ने देवरी माता की विधिवत पूजा अर्चना की और नई कमेटी का बायलॉज भी पारित किया गया। उसके बाद तमाम सदस्यों की मौजूदगी में सभी 6 दान पेटियों को खोला गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की गई, जिसमें हमारे बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मैं स्वयं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बायलॉज बनाया था उसको पारित किया गया और इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया में देवड़ी मंदिर ट्रस्ट का नया खाता खोलने का निर्णय लिया गया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो शारदीय नवरात्र के दौरान दान पेटी में ताला लगाया था, उसके बाद से आज तक ये ताला खुला नहीं था, तो आज की बैठक में ही लिए गए निर्णय के आलोक में हम लोगों ने ताला खोला माननीय विधायक जी और अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू की उपस्थिति में। ताला खोलने के पश्चात सबकी उपस्थिति में अंचल कार्यालय में पैसे की काउंटिंग की गई। कुल 4,27,803 रुपये दान पेटी से प्राप्त हुए हैं आज तक, जिसको बैंक ऑफ इंडिया रायडी मोड़ तमाड़ के अकाउंट में हम लोगों ने जमा करवा दिया है। और आगे फिर से सोमवार को एक कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी, जिसपे आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ली।